अगर मैं आपसे पूछूं कि कल्पना में और वास्तविकता में क्या अंतर है? कल्पना वो है जो हमारी सोच में एक थॉट के रूप में एग्जिस्ट करती है, और वास्तविकता जिसे हम देखते और एक्सपीरियंस करते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते वो वास्तविकता का हिस्सा नहीं। मगर क्या हम पूरी तरह से वास्तविकता को भी समझ पाए हैं? जी नहीं। जिस यूनिवर्स को हम देखते हैं वो भी सिर्फ यूनिवर्स का 5% का ही पार्ट है। बाकी सब कुछ तो हमारी नजरों से भी परे है। अगर हम उतना दूर ना भी जाएं, तो भी हमारे पास इसे समझने के लिए कई सारी चीजें हैं। यूनिवर्स की फंडामेंटल फोर्सेस को ही ले लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी हमें दिखती बेशक नहीं पर फिर भी अपने अस्तित्व का प्रमाण देती है। और आप क्वांटम फिजिक्स को ही ले लीजिए, क्वांटम जगत की हर एक चीज हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखती पर फिर भी ब्रह्मांड की तकरीबन हर चीज उन्हीं पर टिकी हुई है। इस वीडियो में हम क्वांटम फिजिक्स के ऐसे ही एक कंसेप्ट क्वांटम ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल साईफ्लाई फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। ग्रेविटी जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार और कुछ नहीं बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। हमारे पास जनरल रिलेटिविटी से ग्रेविटी को समझने का एक अच्छा डिस्क्रिप्शन है, तो फिर हमें ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पर समझने की क्यों जरूरत पड़ी? दरअसल इसका कारण ब्लैक होल्स है, क्योंकि जनरल रिलेटिविटी ये तो प्रेडिक्ट करती है कि कोई सफिशिएंटली कॉम्पैक्ट मास स्पेस टाइम को इस तरह से डिफॉर्म कर सकता है कि वो रीजन ब्लैक होल बन जाए, जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो कि कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट भी इससे ना बच सके। लेकिन जब ब्लैक होल्स के अंदर क्या है ये पता लगाने की बात आती है, तो फिर सिंगुलैरिटी को समझने के लिए ऐसी थियरी की जरूरत पड़ेगी जो जनरल रिलेटिविटी के बियॉन्ड जाकर ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पर समझा सके। लेकिन जब ग्रेविटी को क्वांटम लेवल में समझने की बात आती है, तब क्वांटम जगत की मैथमेटिक्स में गड़बड़ हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स की अच्छी बात यह है कि ये ऑलमोस्ट हर मैटर के हर कंडीशन के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकती है, और इसकी क्षमता स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स में है। लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल में ग्रेविटी के लिए कोई जगह नहीं। बहुत ही वियर्ड सी बात है कि वो थियरी जो यूनिवर्स की सभी फोर्सेस को एक साथ समझा सकती है, उसके पास ऐसी फोर्स को समझाने की क्षमता नहीं जो यूनिवर्स को जोड़े रखती है। मगर इसके पीछे एक कारण है। एक तो ये कि ग्रेविटी के अलावा बाकी सभी फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, सभी क्वांटम लेवल पर काम करती हैं, और ग्रेविटी इन सभी फोर्सेस से सबसे वीक फोर्स है। और स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार अगर हम क्वांटम लेवल पर काम कर रहे पार्टिकल्स को देखें, तो ग्रेविटी का असल में वहां कोई काम है ही नहीं। ग्रेविटी इंसानों के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई सबसे पहली फोर्स है, लेकिन फिर भी ग्रेविटी इंसानों द्वारा सबसे कम समझी गई फोर्स है। हालांकि न्यूटन और आइंस्टाइन की थियरीज ग्रेविटी को बिल्कुल अच्छे से समझाती है, मगर ग्रेविटी के फॉर्मेशन और ग्रेविटी कहां से आती है ये नहीं समझा सकती। लेकिन अगर क्वांटम फील्ड थियरी को देखें, तो वो ये कहती है कि हर फोर्सेस फील्ड से मीडिएट होती है, और यहीं पर ही क्वांटम ग्रेविटी का रोल आता है। क्वांटम ग्रेविटी ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पर समझाने में बिल्कुल सक्षम है। हालांकि हमारे पास क्वांटम ग्रेविटी का कोई कंफर्मेशन नहीं, मगर फिर भी ये एक तरीके से क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी के काम करने के तरीकों को समझाती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार हर फोर्सेस को कैरी कर रहे उनके रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि फोटॉन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कैरी करते हैं, ग्लूऑन्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं, और WNZ बोसॉन्स की मूवमेंट से वीक न्यूक्लियर फोर्स इमर्ट होती है। तो क्वांटम ग्रेविटी ये कहती है कि ऐसे भी पार्टिकल्स जरूर होंगे जो ग्रेविटी को कैरी करते हो, और उन पार्टिकल्स को ग्रेविटोन्स का नाम दिया गया। लेकिन ग्रेविटोन्स को आज तक किसी भी एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं किया गया है। आज तक ग्रेविटोन्स को ऑब्जर्व नहीं किया गया है। एक तो ये कि उनके पार्टिकल्स बिल्कुल मासलेस हैं, और इसका कारण
उनकी इनफाइनाइट रेंज है, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जैसे। और दूसरा ये कि ग्रेविटी बाकी सभी फोर्सेस से बहुत ही वीक है। अगर कंपैरिजन करें तो एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10^39 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर इसका एक एग्जांपल दूं तो अगर आप अर्थ के सरफेस पर पड़े किसी भी आयरन के ऊपर अगर मैग्नेट रखते हो तो वो आयरन अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। यानी यहाँ पर यह बात प्रूव होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तो ग्रेविटॉन्स का मासलेस होना और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स का बाकी सभी फोर्सेस से वीक होना, ये दो कारण ग्रेविटॉन्स को एक्सपेरिमेंटली प्रूव होने से रोकते हैं। फ्यूचर का तो पता नहीं, मगर हमारी आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार ग्रेविटॉन्स हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक है। हालांकि ऐसी और भी थियरीज हैं जो ग्रेविटॉन्स की एक छोटी सी पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करती है, जो है स्ट्रिंग थियरी। मगर उसके लिए भी यूनिवर्स को अपने अपीयरेंस से बहुत ही अलग होना आवश्यक होगा। स्ट्रिंग थियरी ये कहती है कि यूनिवर्स में हर जगह बहुत ही छोटी साइज की स्ट्रिंग्स मौजूद है, जो कि यूनिवर्स के हर मैटर और फोर्सेस का निर्माण करती है। और स्ट्रिंग थियरी यूनिवर्स में एक ऐसे भी पार्टिकल का प्रेडिक्शन करती है जो बिल्कुल मासलेस है और जो हर रूप से ग्रेविटॉन्स की ओर इशारा करती है। यानी वो मासलेस पार्टिकल और कुछ नहीं बल्कि ग्रेविटॉन्स हैं। लेकिन सुपर स्ट्रिंग थियरी खुद भी एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं है, जिसका कारण स्ट्रिंग की साइज का इतना छोटा होना है। और इतनी छोटी साइज की वजह से आज जो हमारे पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं उसमें भी उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। स्ट्रिंग थियरी ही नहीं, और भी कई सारी थियरीज हैं जो ग्रेविटॉन्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ावा देती है, जैसे कि लूप क्वांटम ग्रेविटी। दरअसल लूप क्वांटम ग्रेविटी स्पेस एंड टाइम को क्वांटाइज करने की बात करती है। क्वांटाइज करना मतलब किसी भी चीज को इतना छोटा करना कि उसे उस लेंथ से ज्यादा छोटा नहीं किया जा सके। लूप क्वांटम ग्रेविटी स्पेस टाइम को ही डिस्क्रीट करने की बात करती है, यानी स्पेस टाइम को इतना डिवाइड करे कि डिवीजन का अंत उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स तक जा पहुंचे और उससे ज्यादा उसे डिवाइड ना किया जा सके, जिसका साइज प्लैंक लेंथ के बराबर 10^-35 मीटर्स होता है। मगर ये थियरी भी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, और इससे हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम ग्रेविटी का कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। अगर आने वाले कल में कभी कोई एक ऐसी थियरी निकल के आती है जो क्वांटम फील्ड थियरी और जनरल रिलेटिविटी दोनों को संतुष्ट कर सके, जैसे कि क्वांटम ग्रेविटी और जनरल रिलेटिविटी को जोड़ के ग्रेविटी को समझा सके, तब हमें सही मायने में थियरी ऑफ एवरीथिंग मिल जाएगी, जिससे शायद हमें एक तरह से स्ट्रिंग थियरी का कंफर्मेशन भी मिल जाएगा और ब्लैक होल्स के अंदर क्या है ये भी पता चल जाएगा। और शायद इस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि बिग बैंग के बिल्कुल पहले यूनिवर्स कैसा था, क्योंकि बिग बैंग होने से पहले यूनिवर्स भी एक सिंगुलैरिटी ही था, बिल्कुल ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के जैसे। तो शायद इस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि बिग बैंग के पहले यूनिवर्स का नेचर कैसा था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ जानकारी आप तक पहुंची हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल साइफ्लाई को सब्सक्राइब जरूर करें।